दोस्तों बात करने वाले अदाणी पावर शेयर के बारे में। देखिए आज अदाणी पावर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 2-2.5% के आसपास तो गिरावट, और देखा जाए दोस्तों लगभग 3% तक गिरा है। यहाँ पे गिरावट के पीछे वजह क्या है, मेन चीज दोस्तों क्या रिवर्सल दिखेगा या यहाँ पे ही हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही के अंदर 650 रुपए के बाउंड विकाई देखने को मिले, उसके बाद कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या है तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमने नए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे एंड उसमें दोस्तों FIDI की डाटा अच्छा था, मतलब चौंकाने वाले आंकड़े देखे खासकर FI वालों, क्योंकि भाई कंटिन्यू पिछले जब फिर नंबर की रिपोर्ट आई थी उसके बाद जब गिरावट हुई उसमें कंटिन्यू FI ने खरीदा, एंड FI में से सबसे सबसे बड़ा इन्वेस्टर बता दूं तो कौन है, GQG पार्टनर। तो GQG पार्टनर ने भी आपको पता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पता भी चल गया होगा भाई, GQG पार्टनर ने फिर से Q4 में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो टोटल यहाँ पे बड़े प्लेयर्स लगातार माल खरीद रहे हैं, स्टॉक का ये गिरना मायने नहीं रखता है, बड़े प्लेयर्स का आंकड़े मायने रखता है। जैसा कि हमने देखा भाई स्टॉक पहले 400 मतलब यहाँ पे 390-400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब इन नंबर की रिपोर्ट आई बहुत ज्यादा गिरा, 140 रुपए के आसपास गया, बट वहां से देख लो रिवर्सल के साथ तगड़ा दिया, क्योंकि फाइनेंशियली अच्छा था, आंकड़े अच्छे थे, पोटेंशियल था, वैल्यू थी स्टॉक की, इसलिए करंटली हमें 600 पे नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में अगर वैल्यू रहेगी तो ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे आपको 3 डिजिट का आंकड़ा भी पार करता हुआ देखने को मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ से ये आंकड़ा पार होगा, क्योंकि देखो डाटा समझ लेना, सिचुएशन करंटली क्या डिमांड कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा, क्या हमें निकलना चाहिए या हमें अभी और खरीदना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, 2-4 बड़े इवेंट हमारे सामने, एक तो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले Q4 के आंकड़े रहेंगे एंड इसके बाद बजट, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इफेक्ट डालेगी स्टॉक के प्राइस पर, तो उनका हमें ध्यान रखता है। मेन चीज अभी के टाइम बता दूं, देखो आज वॉल्यूम थी 30 लाख के आसपास शेयर हमें ट्रेड देखने को मिला, अब देखो 30 लाख आसपास के शेयर ट्रेड हुए ना, इसमें टोटली रिटेल ने बेचा, अब यहाँ से हमें समझना, चलो गिरावट तो हो गई बट खरीदा किसने, कितना खरीदा, तो भाई इस गिरावट में देख लो 62% के माल यहाँ पे खरीदा गया, मतलब टोटली 100 शेयर बेचा गया, उसमें से 62 शेयर तो साथ का साथ ही खरीद लिया गया, अभी किसने खरीदा भाई, अगर बड़े बड़े प्लेयर्स को बेचना ही होता तो क्या बड़े प्लेयर्स खरीदे खुद ही खरीदते, नहीं, यहाँ पे बेचने वाले रिटेल थे, खरीदने वाले बड़े प्लेयर्स थे। हर क्वार्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीनों से तो भाई ये स्टॉक इसका एएसएम खत्म होने वाला है, 90 दिन का एएसएम होता है, 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो ओवरऑल देखा जाए पिछले 3-4 महीनों से 2-2.5 महीने से तो ये एएसएम में था, एंड एएसएम में हमें ट्रेडिंग बनती टोटली 100% की डिलीवरी थी, 100% यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा था, टोटल एएसएम में भी रेगुलर 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख डेली बेसिस में खरीदा, जो डिलीवरी है वो नजर आई है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों बड़े प्लेयर्स की खरीदारी हो रही है, एंड जो लोग यहाँ पे स्टॉक को 500+ खरीदे हैं वो कोई यहाँ पे छोटा मोटा रिटर्न ले लेके नहीं खरीदे, उनका व्यू है कि भाई पैसा को डबल करें, और वो देखा जाए GQG ने तो डबल कर ही लिया, एंड आने वाले टाइम में वो रिटर्न बनेगा, इसलिए फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब मैं मेन चीज आपको समझ रहे हैं, आज चलो गिरावट हो गई, गिरावट में एक अच्छी डिलीवरी निकल के आई, बड़े प्लेयर्स ने खरीदा, 63% खरीदने का मतलब है कि टोटली एक बड़ी डिलीवरी उठाना, एंड यहाँ पे जो MO है अभी के टाइम 36,000 शेयरों के साथ पॉजिटिव है। मेन चीज आपको बता दूं दोस्तों, इंट्राडे चार्ट, तो चार्ट में आपने देखा होगा क्या साइड बेस करेक्शन में देखने को मिला है, एंड अदानी ग्रुप अभी के टाइम वोलेटिलिटी में। दूसरी चीज यहाँ पे कि भाई देखो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद टोटली अदानी ग्रुप पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर मोदी जी रिपीट होते तो यहाँ से अदानी ग्रुप एक बड़े बुलरन में देखने को मिलेगा, एंड अभी के टाइम पूरा अदानी ग्रुप आपको वोलेटिलिटी में नजर आ रहा है, डरे ना, रिजल्ट डेट आई नहीं, रिजल्ट डेट आते आपको अपडेट करूंगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आज का अपडेट GQG, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों विदेशी निवेशक इन 5 शेयरों में लगाया बड़ा दाव, आपने भी लगा रखा है पैसा तो देख लीजिए दोस्तों, देखो अदानी के शेयर है, एंड अदानी के शेयर में जैसा कि बता रहा हूँ NRI इन्वेस्टर वो है, उनको यहाँ पे अराउंड बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एंड GQG ने दोस्तों अदानी समूह की कंपनी में हिस्सेदारी जनवरी मार्च की तिमाही में बढ़ा दी, इसकी कीमत 57,000 करोड़ रुपए हो गई है, मतलब यहाँ पे GQG ने सबसे ज्यादा माल खरीदा भाई, 57,000 करोड़ रुपए टोटली अदानी ग्रुप में लगा रखा है, तो आप देख लो कितना बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले 4-5 कंपनियों में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, Q4 में एक तो अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी पोर्ट है, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, एंड अदानी ग्रीन एनर्जी, तो ये वो स्टॉक है जिन्होंने इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। अब अदानी पावर में कितनी बढ़ाई है तो वो मैं आपको बता दूं, देखिए BSE से होल्डिंग पैटर्न डाटा के अनुसार US आधारित जो निवेश फर्म है अदानी GQG पार्टनर लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी 2 गुना से अधिक बढ़ाई है, ये Q4 में 4.57 हो गई है, सॉरी 4.53 हो गई है, जो कि 21 दिसंबर तिमाही तक की 2.02 थी, तो यहाँ से लगभग भाई डबल कर ली है, जो GQG पार्टनर है भाई उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर लगभग डबल कर लिया अदानी पावर के अंदर। हाल ही में जो गिरावट हुई है उसका पूरा फायदा किसने उठाया,
जी, पार्टनर है। लॉस किसका हुआ? रिटेलर्स का। तो यही है कि भाई थोड़ा वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप समझो, एक बार तेजी आती है, हाल ही में जो बाउंस आया था वो टोटली रिलायंस के साथ डील हुई उस पर आया था, तो ये थोड़ा वोलेटाइल। अब यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बता दूं, देखो सपोर्ट टूटा है यहाँ से, ठीक है ना, तो अब चांस है कि स्टॉक दोस्तों अगेन हमें 575 का लेवल यहाँ से दिखा दे। ओवरऑल देखा जाए अगर वोलेटिलिटी मार्केट में भी रहती है तो अगेन हमें दोस्तों देखो ये RSI अगर जितना डाउन जाता उतना फायदा रहेगा। यहाँ से देख लेना, अगर ये RSI आपको 40-35 इस लेवल पे मिल जाए तो एक गोल्डन बाइंग हमारी रह सकती है। एंड अभी के टाइम जो मेन सपोर्ट है वो है 575 रुपए, ठीक है, तो वेट करें Q4 रिजल्ट तक का। एंड जो आप सोच रहे हैं कि भाई 1000 पे जाएगा तो वो भी 1000 पर भी जाएगा, वैल्यूएशन है स्टॉक की, बस ये है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करो ताकि